नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि 2021 में भाईजान सलमान खान की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है कभी ईद कभी दिवाली। कुछ वक्त पहले खबरें आई थी कि सलमान खान ने अपनी फिल्म राधे में सिद्धार्थ शुक्ला को साइन किया है, लेकिन बाद में इन खबरों से खंडन कर दिया गया। फिलहाल सलमान सिद्धार्थ के साथ तो नहीं, लेकिन आसिम रियाज के साथ जरूर एक फिल्म में काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आसिम जल्द ही सलमान की एक फिल्म में नजर आ सकते हैं, जिसके लिए आसिम ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल खबरें हैं कि आसिम सलमान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में उनके छोटे भाई का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में सलमान के 3 छोटे भाई होंगे, जिसमें से एक आसिम रियाज भी होंगे। आसिम रियाज के सलमान खान के साथ उनकी नई फिल्म में काम करने की अटकलें तेज हैं। ऐसे में आसिम के सितारे बुलंदियों पर नजर आ रहे हैं। बिग बॉस से निकलने के बाद आसिम का बैक टू बैक सॉन्ग एल्बम्स में काम करना और अब उनका सलमान खान के साथ फिल्म में काम करने की खबर आना उनके उभरते हुए करियर की ओर इशारा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। अगर आसिम रियाज की तरफ से ही इन बातों का खुलासा होगा तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि जैसे ही कुछ भी ऑफिशियली पता चलता है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई चटपटी खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।